एक मेरा सज्जा पासा, एक मेरा खब्बा पासा वीडियो बना देती है, कभी वॉइस लीक कर देती है, गजनी हो गई कद्दू के मुंह वाली। ये ज्वेलरी मैंने इसके लिए ली थी, मैंने कहा था इसको ज्योतिष के काम बल दूंगी, ज्वेलरी दूंगी। ये मेरी स्टेपनी ने कर दिया मुझे। ये किसी की सगी नहीं है, इसको इसलिए नागन नागन कर, मैं कभी अजगर में फंस गई तो कभी नागन में। हेलो, कैसे हैं आप लोग? मैं भी ठीक हूँ। इतने सारे मुझे बेड कमेंट करने वालों, थोड़ा सा बेहोशी की दुआ खा के ही सो जाओ। इतना मुझे देखे दी, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहे हैं मुझे ये लोग। बेड कमेंट करते हैं, आपको पता है बेड कमेंट से मेरी जान जाती है। अभी पिछले ही हफ्ते वीडियो बनाई थी और मैंने कहा था मुझे बेड कमेंट से डर लगता है, थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, बेड कमेंट से डर लगता है। देखें, ये जो हमारी भांजी है बड़ी फीतना निकली है, कद्दू के मुंह वाली, जब्बू लोटा नाना नागर जिसको बोलती है जी। वैसे तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था, सुकून मिलता था जब इसकी ट्रोलिंग होती थी। हाँ, आजकल मेरी भी हो रही है, इसकी भी हो रही है, लेकिन मुझे अपनी तो फील ज़्यादा होती है। दूसरों की बेशक जितनी कुत्ते वाली कर लो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक मेरा सज्जा बाजू थे, एक मेरा खब्बा बाजू, दो में बेवफा, लेकिन सानू एक प्यारा लगता था, दूसरा असी कट के वड़ सड़े। अब ये जो है ना मेरी स्टपनी, अभी मेरी स्टपनी ने मेरे साथ बेवफाई की है। लोगों में मज़लूम हूँ, इसने प्लान किया है, इसने जब इसके पता था उसमें मेरा एक्सपोजर हो रहा है, तो वो वॉइस किसी को ना देती, ना किसी को ना देती। कॉल आ रही है, फप्फे कुटनी, कद्दू के मुंह वाली, बैंगन नागन, बहुत मुझे गुस्सा आ रहा जी। हेलो, हैं फितना, तुझे सही बोलते, तूने वॉइस लीक क्यों की जब तुझे पता है मेरे खिलाफ बातें हो रही हैं? तूने वहाँ पे मेरे सपोर्ट में वीडियो करनी बनाई, जब तू वहाँ पे बोल क्यों नहीं रही थी मेरी सपोर्ट में? तुझे अपनी आग लगी थी, मैंने तेरे घर आना सितारा है, ये कह रही थी ना, चावा जुत्ती लावा है सौत गिना हेक है, तू मेरे खिलाफ गाली सुनती रह गई। अच्छा, वीडियो बने, व्लॉग भी बनाना है ना। देखें जी, मैंने तुम्हारे लिए गिफ्ट रखा हुआ था, अब ये गिफ्ट नहीं दूंगी तुझे ठाकुर, नहीं नागुन, तू नागुन ही निकली, तूने मुझे भी डस लिया, तू वार करने पे बैठी थी नानू, अब तू कहती सऊदी अरब आऊँगी तो खाले के पास जाऊँगी, फिटे मुँह, अब मैं तुझे नहीं आने दूंगी, तेरी वजह से मेरी ट्रॉलिंग हो रही है, ट्रॉलिंग, लोग मेरे से सवाल पूछ रहे हैं, मैं नहीं दे सकती सवाल के जवाब। उधर से अजगरू ने बूथा सजाया हुआ है, कहता है मुझे देसी अंडे वापस कर, मेरा देसी घी वापस कर, मेरी देसी मुर्गियां वापस कर। अब मैं उसे क्या जवाब दूं? तेरी ये देसी मुर्गियां, तेरे ये देसी अंडे, तेरी ये देसी मुर्गियां, तेरे ये देसी घी किसी काम के नहीं, मुझे ताने दे रहा है, कुसुन्ने मारता है, आते जाते मुझे चमूटियाँ काटता है, छेड़ता है मुझे। अच्छा, रोना नहीं है, डर लगता है, फप्फे कुटनी, तुझे मैंने कहा था एहतियात से रिकॉर्डिंग करना, इसको जाल में फंसा एहतियात से रिकॉर्डिंग करना, लेकिन तूने नहीं सही की, उसमें मुझे ही एक्सपोज कर दिया तूने, घुन्नी फप्फे कुटनी चुन्नी खपरदार। मैं देखो जी, मेरी बात सुनो, एक दो बार इसने अगर मिस कॉल कर दी, मैं बात नहीं सुनती, ये वीडियो बना के मियाँ बीबी इशारे करते हैं मुझे और कहते हैं हमारी सपोर्ट में कोई नहीं आता। लेकिन इतनी बार तो आई हूँ मैं सपोर्ट में, हालांकि करने इनकी आती थी, लेकिन करके मैं अपनी चाहती थी सपोर्ट, सिर्फ दुनिया में मुझे सपोर्ट की ज़रूरत है, इनको नहीं है सपोर्ट की ज़रूरत। एक तो तू तो बंद हो, लेकिन एक तो मेरे सपोर्टर जो है वो भी लूले लंगड़े से निकले, बेवफा लूले लंगड़े इसलिए कह रही हूँ कि वो आधा रास्ता चल के डिग पड़ते थे, रास्ता भूल जाते थे, बड़ा समझाने की कोशिश की है जी, सही सही चले, नहीं चलते सही,
देखें जी, जब से ये नैनू और सितारा की वॉइस निकली है ना, मेरी ट्रोलिंग हो रही है। मैं तो खुश होती थी पहले ट्रोल करवा के, इस बार हमारा ही खोदा हुआ खड्डा जो है उसमें हम ही जा गिरे। बड़ी टेंशन हो रही है। अब मैं इसको नहीं दूंगी, ये मैं किसी अपनी वफादार को दूंगी गिफ्ट। कंबल भी दूंगी, ये भी दूंगी, सब दूंगी जो मुझसे सच्चा प्यार करेगा। लेकिन खुदारा मुझे ट्राल मत किया जाए, मत किया जाए ट्राल। ये बग्गू कोशा जो है ना, आजकल ये बड़ा तंग करता है। फिर मैं रोटी खाने लगती हूँ, मेरे आगे से उठा लेता है। बड़ी बेवफाई करता है जी, यही खराब है जी। इसी को गालियाँ दिया करे, जब जब मैं भी एक सपोज हूँ ना, इसी को ही पकड़ के कसुन्ने मारे आप लोग। बस मुझे कुछ ना कहा करे, मैं मासूम मासूमियत से भरपूर और चूर हूँ। मैं ही दुनिया में सिर्फ औरत हूँ, बाकी जितनी औरतों की ढटियाँ उड़ी हैं, लेकिन जी वो उड़ाते भी रहे, बस मुझे सेफ करें आप। मैं मासूम, मैं अबला नारी एंड प्यारी। क्या हुआ, नहीं लग रही प्यारी? प्यारी समझा करें, मैं अपनी सफाई में कुछ नहीं कहना चाहूँगी जी, बल्कि सफाई तो नैनू को देनी चाहिए थी। जब सितारा ने मेरे पे बोला कुछ, ऐसे ऐसे सुला के ऐसे निकल जाती थी, नीनू को बोलना चाहिए था। हाय, पगली को हजार बार सुन कहा है जो बात में ना आया कर, पहले वॉइस सुन लिया कर, फिर उसके बाद लोगों को भेजा कर। लेकिन इतनी वॉइसें दिन में भेजनी होती है लोगों को, भूल जाती है बेचारी। कोई बात नहीं, लेकिन बात क्यों नहीं, मैं तो बदला लेने में माहिर हूँ। आपको याद है ना, नज्जो को भी मैंने सही सबक सिखाया था। उसने मेरी शादी वाली वीडियो लगा के व्यूज कमाए थे, व्यूज। और मैंने उस पर 3-4 रिएक्शन दे के मैंने भी व्यूज कमाए, लेकिन उसकी वीडियो प्राइवेट करवा दी मैंने। कच्ची गोलियाँ नहीं खेलती मैं, पक्की गोलियाँ खेलती हूँ, और खुद भी गोली खा के बेहोश नहीं होती जी, नहीं होती। मुझे लगता है मुझे इस नीनू के खिलाफ भी एक वीडियो बनानी पड़ेगी, इसको भी डैश ऑन करना पड़ेगा। मुझे डैश ऑन करूँगी, ये डबल गेम खेलती है। आज मुझे अंदाज़ा हुआ, इसने तो मुझे भी लीक लीक कर दिया, मुझे लीक कर दिया, लीक कर दिया। लोग मुझे बचाओ, मैं लीक हो गई, इसने मुझे लीक कर दिया। सब मेरा मजाक उड़ा रहे हैं जी, सब कहते हैं तू भी ट्रैक्टर लेस निकली। टिशू दे दो, कोई नहीं है टिशू। मेरा डब्बू जो है वो मेरे से नाराज हुआ बैठा है, कहते हजार दफा कोशिश की थी हम इस मुद्दे को दबा लेंगे, सालों तुम लोगों से ही निकल गया ये मामला। वो मेरे साथ है, बहुत प्यार करते हैं, बस कभी कभी गुस्सा आ जाता तो चिमबूटी बट के नस जाता है। मैं भी उसे चक्की काट देती हूँ। बहुत गुस्से का तेज है जी, दिन में 6-6 उबले अंडे खा जाता है। डाइटिंग पे है ना, हाँ डाइटिंग पे, देसी अंडे खाता है, लेकिन काम किसी के नहीं। बहुत तकलीफ में हूँ मैं, मेरी ट्रालिंग हो रही है, बेड को मिंट आते हैं। मत करें आप लोग ऐसा, मैं भी इंसान हूँ, तुम लोग तो नहीं हो। पता है मुझे हजारों सैकड़ों औरतों की धज्जियाँ उड़ाई गई हैं मेरी वजह से, तो उसमें मेरा क्या कसूर है? मैंने कोई दावत दी थी कि वो आए मेरी सपोर्ट में, बस मैं बहुत तकलीफ में हूँ, मैं सदमा में हूँ, अच्छा खासा सदमा लग गया है मुझे। इस नैनू ने मुझे एक्सपोज कर दिया, घुन्नी है। बहुत कोशिश करती हूँ इससे पीछा छुड़ा लूँ, लेकिन कभी कभी चुगलियाँ निकलवानी होती है मैंने इससे, इसलिए इससे टपनी को अपने पास रखा हुआ है, इसलिए इससे हेलो हेलो कर लेती हूँ। कहते हैं वक्त का पहिया सही घूमता है, घूम के मेरे पे आ गया। मैंने बड़ी कोशिश की थी मैं एक्सपाउस नहीं होंगी,
आखिरकार हो गई। बहुत कोशिश की, वॉइस रिकॉर्ड कराई, चैट टेलीकॉर्ड कराई, मैंने तो अपने जग्गू बोशे कट्ठे किए होते हैं और तूते उड़ जा, मक्खी आ गई थी जी, ये भी अब मेरे पे बातें करती है। मक्खी तू क्यों हंस रही है? गुन्नी तू भी हंसती है, मुझे इंसाफ दे दो लोगों, मेरे सपोर्ट में कमेंट करो, हेट में कमेंट ना करो, डिलीट कर करके मेरी उंगलियां थक जाती है। मत करें आप लोग ऐसा, सच्चू क्या सोचेगा, वो तो वैसे ही आ जाता है कभी कभी मुझे टॉन्ट मारने, सच्चू का ही लिहाज कर लो, आके बड़े तरीके से टॉन्ट मार के जाता है जी मुझे, नहीं होता मुझसे बर्दाश्त। और एक और बात, अगर नैनू कहती है ना मैंने चैनल छोड़ देना है, नहीं छोड़ती नैनू, ऐं शेव करके ना मेरे पास आ जाओ। गुन्नी है ये, मैं इसको जिस तरीके से इस्तेमाल करती रही अपने फायदे के लिए, बीच में चुल मार ही दी इसने, वॉइस लीक कर दी सितारा की, बाकी सब बोल रहे थे हमने उल्लू बनाया हुआ था उनको, जब सितारा बोल रही है तो इसने डिफेंड नहीं किया मुझे, बहुत तकलीफ हो रही है मुझे, अल्लाह से डरना चाहिए, अल्लाह से, अल्लाह को क्या मुंह दिखाओगी तुम लोग। ये तो बात वैसे मुझे नैनू को कहनी चाहिए, ये हरकतें तो उसी की है, इसको थोड़ा सा भी सुकून नहीं आ रहा, जब भी आती है हंसते हुए वीडियो टोड़ मार के निकल लेती है, उसमें मुझे भी मारती है, ठा ठा लगते हैं मेरे दिल पे। देखिए जी मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे बेड कमेंट मत करो, मत करो, नैनू को कर दिया करो मेरे हिस्से के, मुझे ना करो, मैं उसकी प्यारी खाला हूँ, इसलिए ये कुर्बानी बर्दाश्त करेगी, क्योंकि ये मेरी बकरी है, बकरी ये हमेशा कुर्बानी बर्दाश्त करती है, इसी को ही मेरे हिस्से के कमेंट में ऐड किया करो। समझ आई? नहीं आई, पानी भी नहीं गया, थोड़ा सा एहसास कर लो, मसे मसे में बेड कमेंट से हटी हूँ, आखिर बच्चे हैं जी मेरे, वो देखते हैं कमेंट पढ़ लेते हैं, समझ आई? इसकी नादानियों की वजह से मेरा सारा काम प्लान ख़राब हो जाता है, जज्बात में आके लिकम लीक कर देती है, ये पूछती भी नहीं है। चले जी अभी मुझे इजाज़त दें, मैंने अपना ना सोफ़ा सेट करना है, और अभी ये मैं गिफ्ट सोच रही हूँ किस सपाटर को दूँ, कोई अच्छे से सपाटर ढूँढती हूँ और ये गिफ्ट उसको दूँगी। समझ आई? नहीं आई। नैनों को तो नहीं दूँगी, और खबरदार मेरे घर घुसने की कोशिश की, चैनल बंद कर और जा अपने बच्चे के साथ खेला कर, सारा दिन आ जाती है चैनल पे, हर दूसरे दिन के इंट्रो ऐसी करती है जी, मुझे रोना आ जाता है और साथ में हादसा भी आ जाता है। ओके भाई, अल्लाह हाफिज़। मैं दुखियारी अबला नारी को इजाज़त दें, बाय बाय। हाय रे ये वॉइस, हाय रे रिकॉर्डिंग, उफ अल्लाह हमारे गले पड़ गई।